रामकुमार कमलानगर में अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाया करता था। कमलानगर के बाजार में उसकी गोलगप्पे की दुकान थी। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था और सभी लोग उसके गोलगप्पों की बहुत तारीफ करते थे। अरे गोलगप्पे वाले भैया, कल मेरे घर में पार्टी है, 50 लोगों का ऑर्डर दे रही हूँ। कल बहुत अच्छी पानी पूरी खिलानी होगी आपको। आप बिल्कुल फिक्र न करें बहन जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही गोलगप्पे बनाऊंगा। रामकुमार अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक समय ने करवट बदली और कोरोना महामारी के कारण सभी बाजार बंद हो गए। रामकुमार को भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और वो अपने परिवार के साथ घर में ही बैठकर रह गया। लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली, बाजार तो खुल गए, रामकुमार ने अपनी दुकान भी खोल ली, लेकिन अब उसका गोलगप्पे का काम बहुत कम हो गया। उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था, लोगों ने गोलगप्पे खाने बंद कर दिए। अरे क्या बात है बहन जी, आज आप गोलगप्पे नहीं खा रही हैं? क्या करें भैया, मन तो बहुत करता है, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण अब गोलगप्पे खाना मुश्किल हो गया है। लोग साफ सफाई और इन्फेक्शन फैलने के डर के मारे गोलगप्पे नहीं खा रहे थे। रामकुमार रोज परेशान होकर घर वापिस आता था तो उसकी पत्नी ने पूछा, बात क्या है, आप परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं कमला, लोगों ने गोलगप्पे खाने बंद कर दिए हैं। अब बताओ मैं अगर हाथ से गोलगप्पे ना बनाऊं तो कैसे बनाऊं? रामकुमार और उसकी पत्नी की बात उनका बेटा चिंटू सुन लेता है, जो कि एक कॉलेज में पढ़ता था। उसने अपने पिता से कहा, पापा आप घबराइए मत, आजकल ऑनलाइन मैंने बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनानी सीखी हैं, देखना मैं पानी पूरी की भी एक मशीन बनाऊंगा। और चिंटू पानी पूरी की मशीन बनाने में जुट गया। एक रात जब वो सोया हुआ था, तभी एक देवी उसके सपने में आई और देवी ने सपने में चिंटू को पानी पूरी की मशीन बनाने की तरकीब बताई। अगले ही दिन से चिंटू मशीन बनाने में जुट गया और 2-4 दिनों में उसने पानी पूरी बनाने की एक मशीन बना डाली और अपने पिता से कहा, पिताजी ये लीजिए पानी पूरी बनाने की मशीन, इसमें आप बिना हाथ लगाए ही लोगों को पानी पूरी खिला सकते हैं। क्या कह रहे हो चिंटू बेटा, क्या ये संभव है? हाँ पिताजी, आप खुद ही देख लीजिए। रामकुमार पानी पूरी की मशीन देखकर हैरान हो गया और अगले ही दिन से उसने वो मशीन अपनी दुकान में लगा ली। आइए आइए गोलगप्पे खाइए, बिना हाथ लगाए सैनिटाइज की हुई मशीन से गोलगप्पे खाइए। सभी लोग उसकी पानी पूरी की मशीन देखकर हैरान हो गए और फिर से गोलगप्पे खाने लगे। अरे शीला, तुम्हें पता है रामू ने गोलगप्पे की नई मशीन लगाई है, उसमें हाथ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। चलो चलो, बहुत दिन हो गए, गोलगप्पे खा कर आते हैं। ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, चलो चलो। और रामकुमार की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी और इस तरह देवी माँ की बताई हुई तरकीब और चिंटू की कारीगरी से रामकुमार का काम फिर से चल निकला और वे फिर से खुशहाली की जिंदगी जीने लगे। छगन सेठ गांव के बहुत बड़े रईस थे। उनके पास बहुत ज्यादा जमीन, खेत, खलिहान और दुकानें थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो गांव के बीचों बीच अपने एक बहुत बड़े मकान में अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों विक्की और बब्बी के साथ रहते थे। छगन सेठ बहुत मेहनती और अच्छे इंसान थे। अरे रामू क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सेठ जी, इस साल मेरी फसल खराब हो गई, मैं क्या करूं बताइए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे मुनीम जी, जितना इसे चाहिए उतना अनाज दे देना, खाने की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन छगन सेठ एक चीज से बहुत परेशान थे, उनके दोनों बेटे एक नंबर के निकम्मे और आलसी थे। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहा करते थे, सुशीला मुझे तो इन दोनों की चिंता है, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, ये कैसे मेरा व्यापार संभालेंगे? कोई बात नहीं जी, वक्त इन सबको संभाल लेगा। अरे तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो वक्त आएगा कब, देखते नहीं कैसे सांड जैसे बड़े होते जा रहे हैं। इसी तरह सालों साल बीत जाते हैं। एक दिन सेठ बहुत बीमार हो जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को बुलाकर कहते हैं, बेटा मैं तुम दोनों को एक काम देना चाहता हूँ, जो उसमें अव्वल आएगा मैं उसी को सारा व्यापार, काम और जमीन जायदाद देकर जाऊंगा। हमें क्या करना होगा पिताजी?
तुम दोनों को हमारे जंगल वाली पुरानी हवेली में जाना होगा। वहाँ पर दो सुनहरी कारें हैं। तुम में से जिसकी कार सबसे चमकती हुई होगी, मैं उसी को सब कुछ दूंगा। ऐसा सुनते ही दोनों हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। वो जंगल के रास्ते से बड़ी मुश्किल से हवेली में पहुँचते हैं। देखते हैं तो वहाँ दो कारें खड़ी हुई थी। उनके ऊपर धूल मिट्टी जमी थी। विक्की बड़ी कार को साफ करता है। वो अंदर से सुनहरे रंग की थी। बब्बी, ये कार मेरी है, तू दूसरी कार को साफ कर। बब्बी विक्की से थोड़ा ज्यादा समझदार था। वो जैसे ही कार को साफ करता है, वो सुनहरे रंग की नहीं थी, लेकिन वो उसे चलने लायक बना देता है। और इधर विक्की की कार सुनहरे रंग की थी। साफ करने के बाद वो चमकने लगती है, लेकिन वो चल नहीं सकती थी। विक्की बब्बी से कहता है, बब्बी भाई तेरी कार चल रही है ना, तू ऐसा कर रस्सी से बांधकर मेरी कार को खींच ले, हम दोनों कारें लेकर घर जाते हैं। वे दोनों ऐसा ही करते हैं। वे दोनों घर के आंगन में लाकर दोनों कारें खड़ी कर देते हैं और अपने पिता को बाहर बुलाते हैं। दोनों कारों को देखकर सेठ अपनी सारी धन दौलत बब्बी को दे देता है। ये देखकर विक्की बोलता है, पिताजी मेरी कार तो इससे ज्यादा चमक रही है, फिर भी आपने सारी दौलत बब्बी को क्यों दी? बेटा तुम्हारी कार चमक रही है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। लेकिन असली सुनहरी कार तो बब्बी की है, जो चल सकती है और सोना कमा सकती है। इसलिए जीवन में हमेशा मेहनत करो और ऐसा काम करो जिससे तुम खुद की और औरों की मदद भी कर सको। दोनों बेटों को अपने पिता की बात समझ आ जाती है और वो दोनों उसी दिन से मेहनत करने लगते हैं। दबा हुआ खजाना। झुमरू झुमरी तलैया में रहता था। वो वहाँ अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ रहता था। झुमरू पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार था और उसे नई नई चीज़ों का आविष्कार करने की बहुत इच्छा थी। वो जब देखो अपने घर से पुराना सामान लेकर नई नई चीज़ों के आविष्कार किया करता था। उसे स्कूल में हमेशा साइंस प्रतियोगिता में इनाम मिला करता था। लेकिन उसकी इस आदत से उसके पिता बहुत गुस्सा हुआ करते थे। अरे झुमरू, ये आविष्कार करना बंद कर दे भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है तेरे आविष्कार के लिए। कुछ ऐसी पढ़ाई कर जिससे तुझे कुछ आगे नौकरी में मदद मिले। क्या पापा, आप तो हमेशा नाराज होते रहते हैं। देख लेना, एक दिन ऐसा आविष्कार करूंगा कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और खूब पैसे मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है, आप तो इसे ऐसे ही कहते रहते हैं। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। देख लेना, ये एक दिन जो कह रहा है करके ही दिखाएगा। एक दिन जब झुमरू स्कूल से वापस आता है तो वो देखता है कि उसके गांव के तालाब के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। झुमरू पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो गाड़ियां सरकारी गाड़ियां थी और वो लोग पुरातत्व विभाग से आए थे। वे यहाँ छानबीन करने आए थे ताकि उन्हें तालाब के नीचे दबे हुए किले के बारे में पता चल सके, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें बहुत सारा खजाना था। झुमरू घर जाकर इस बारे में अपनी माँ से पूछता है। माँ, क्या ये बात सच है कि हमारे गांव के तालाब के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है? वो कोई पुराना किला है? हाँ बेटा, सुना तो हमने भी ऐसा ही है बुजुर्गों से, मगर देखा कभी नहीं। माँ तू देख लेना, ये खजाना एक दिन मैं ही निकाल कर दिखाऊंगा। ये बात सुनकर उसके पिता हंसते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, जो काम बड़े बड़े ऑफिसर ना कर सके वो काम तुम करोगे, ठीक है लगे रहो। झुमरू बड़ी लगन से खजाना ढूंढने के लिए कोई तरकीब लगाने लगता है और वो एक दिन ऐसी मशीन बनाता है जो पानी और जमीन के नीचे दबे हुई किसी भी धातु के बारे में पता लगा सकती थी। वो अपनी मशीन को लेकर तालाब के पास घूमने लगता है। तभी अचानक एक जगह जाकर उसकी मशीन आवाज करने लगती है। अपनी मशीन के संकेत देखकर झुमरू खुश होकर घर आता है और वो सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ झुमरू को लेकर गांव के सरपंच के पास जाती है। उनकी बात सुनकर गांव के सरपंच कहते हैं, बेटा झुमरू, अगर तुम्हारी ये बात सही निकली तब तो हमारे गाँव के दिन बदल जाएंगे। गांव के सभी लोग मिलकर तालाब के नीचे खुदाई करते हैं और काफी गहराई तक खुदाई करने के बाद उन्हें किले के बारे में पता लग जाता है। किला और खजाना मिलने के बाद गांव के सरपंच
सरकारी पुरातत्व विभाग के लोगों को सूचना देते हैं। सरकार किले और सारे खजाने पर कब्जा कर लेती है, लेकिन वो गांव की भलाई के लिए काफी पैसा देती है और साथ में झुमरू और उसके परिवार को एक बड़ा इनाम दिया जाता है। इनाम मिलने के बाद झुमरू खुश होकर अपने पापा से कहता है, देखा पापा, मैंने तो कहा ही था कि पैसे भी आएंगे और नाम भी रोशन करूंगा आप दोनों का। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तूने मुझे गलत साबित किया। बस ऐसे ही पढ़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो।